ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಪಾಠಕ್ಜಿ, ಸತ್ಯಾನಂದ ಜೋಶಿಜಿ, ಇದು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಘೋಷಣೆ ನಮ್ಮ ಜನಪರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಸ್ಥಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿಜಿ, ಅರ್ಜುನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಸ್ತೋಲಾಜಿ ನೇಪಾಲ್ ಸೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಭಟ್ಜಿ, ಧೀರ್ಲಾಲ್ ಜಿ ಆರ್ ಎಸ್. आज के इस कॉन्फ्रेंस में सभी जो उपस्थित हैं उनसे मैं सबसे पहले यह कहना चाहूँगा, मैं प्रोफेसर शशि तिवारी जी का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने इस महत्वपूर्ण वर्कशॉप में मुझे आने के लिए आमंत्रित किया और मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया, जबकि शायद मैं उसको डिजर्व नहीं करता. और पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आज का थीम है भारतीय कलाओं का वैदिक परिप्रेक्ष्य, वैदिक पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन आर्ट्स, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आज सब प्रकार की चर्चा होगी. इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय विद्या भवन में, जैसा कि अभी बेहरा जी ने बताया, 2016 में हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय वेद की कॉन्फ्रेंस की थी और ये बहुत ही हमारे लिए गर्व का विषय है कि 150 से अधिक लोग वहाँ पर आए 4 दिन की कॉन्फ्रेंस में. और अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस थी वो, तो विदेशों से बहुत 40-50 लोग आए और हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि वो कॉन्फ्रेंस बड़ी ही सक्सेसफुल रही, सफलतापूर्वक सफल. उसके पश्चात 2017 में हमारे भारतीय विद्यावन में दूसरी कॉन्फ्रेंस शशि प्रभा जी ने आयोजित की और वो भी एक बहुत अच्छी तरह से सफलतापूर्वक हुई. और मुझे ये देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जिस प्रकार के विषयों का या थीम्स का जो लोग चलते हैं वो वैदिक नॉलेज जो हमारी है उसको आगे बढ़ाने का बहुत अच्छा प्रयास व्यक्त कर रही है. आज के युग में हमारी पीढ़ी और जितनी भी 2-3-4 पुरानी पीढ़ी हैं, सबके मन में यही रहता है कि वेद, वैदिक लिटरेचर, ये सब कुछ उन्हीं लोगों के लिए है जो कि इस विषय में पढ़ते हैं, जिस विषय में इनका इंटरेस्ट है, जो संस्कृत को जानते हैं और इसका आज के जीवन से कोई संबंध नहीं. वो जो हमारी मानसिकता है उसका कारण क्या है, उसका कारण है आज की हमारी शिक्षा पद्धति. और ये शिक्षा पद्धति कहाँ से आई, क्यों इस देश में लगाई गई, मुझे लगता है कि आप सबको पता हो, पर फिर भी कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको याद करना आवश्यक होता है, जिससे कि हमारी मानसिकता में वाकई में बदले, मानसिकता बदले और हम अपने आप को अपनी संस्कृति से जोड़ सकें. तो इस विषय में मैं ये बताना चाहूँगा कि 2 फरवरी 1935 में 1835 में हमारे एक डॉक्टर मैकाले साहब हुआ करते थे. उन्होंने यूरो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के बारे में ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या कहा, ये मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ. बहुत लोग आप लोग जानते होंगे, परंतु कुछ चीज़ें होती हैं जिनको रिपीट करना बड़ा आवश्यक होता है, क्योंकि उसके बिना हम ये समझ नहीं पाते कि हम किस तरह से, किस प्रभाव में आज हैं जिसकी वजह से हमारी संस्कृति पूरी तरह से आच्छादित हो गई है. मैं पढ़ रहा हूँ. What Mekale said was, I have travelled across the length and breadth of India and I have not seen one person who is a beggar, who is a thief. Such wealth I have seen in this country, such high moral values, people of such caliber, that I do not think we would ever conquer this country unless we break the very backbone of this nation, which is our spiritual and cultural heritage. And therefore, what I said is very important now. I propose that we, that is the English and the British, replace India's old and ancient education system, her culture. For if the Indians think that that all that is foreign and English is good and greater than the Indian, they are greater than their own, they will lose their self-esteem, their native culture,
and they will become what we want them, a truly dominated slave nation. बात आप लोगों ने सुना होगा पढ़ा होगा पर मैं ये समझता हूँ कि आज के युग में इस भाषण का या जो उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट कहा उसको जानना बहुत आवश्यक है. जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक हमारी ये समझ में नहीं आएगा कि किस प्रकार से हमारी संस्कृति हमारी सब कुछ आच्छादित हो गई है. और हम यही समझते हैं कि जो कुछ अच्छा है देश में, चाहे वो डेवलपमेंट से संबंधित हो, चाहे कल्चर से संबंधित हो, वो सब विदेश से और इंग्लैंड से या वेस्टर्न कंट्री से. जब तक ये मानसिकता नहीं हटेगी तो हम चाहे वेदांत पढ़ते रहें, उपनिषद पढ़ते रहें, कुछ भी पढ़ते रहें, हमारी जो ये पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, उसको कभी भी भारतीयता पर कभी विश्वास नहीं होगा, उस पर कभी उनको गर्व नहीं होगा और कभी भी उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं. ये बात कहना और सुनना बड़ा आवश्यक है कि हम किस प्रकार से हमारी संस्कृति आच्छादित हो गई, उसको किस तरह से लौटाना. तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस विषय में जो काम वेद कर रही है वो अपने आप में बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि इस प्रकार के इन्होंने सब्जेक्ट छुटे हैं, व्यवहार प्रैक्टिकल आस्पेक्ट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, प्रैक्टिकल आस्पेक्ट्स ऑफ अदर थिंग दिस सेकेंड जो उनकी वो थी, ये सब जो है उसकी वजह से धीरे धीरे ये बात बढ़ रही है. और एक बात और बड़ी अच्छी है, वो ये है कि वेव जो है इस सब समारोह में यूथ के लिए अलग सेशन करती है. तो जब तक हमारा ये नई पीढ़ी जब तक इस बात में नहीं घुसेगी, नहीं समझेगी, तब तक ये सब बात करने का कोई लाभ नहीं. जैसा कि अभी सदन जोशी कह गए कि भाई आप कॉन्फ्रेंस में बोले, लेक्चर हुआ, बात हुई, तालियां बज गई, उसके बाद कुछ यहाँ तो कुछ नहीं रहा. आवश्यकता इस बात की है कि जब हम इन विषयों पर चर्चा करें, इन विषयों के साथ बैठें, तो विषय हमारे अंदर जाने चाहिए, आत्मसात हमें करने की हमें कोशिश होनी चाहिए. जब तक हम वो नहीं कर सकेंगे और फिर जो आने वाली पीढ़ी है उसको नहीं बता सकेंगे या समझा सकेंगे, तब तक कोई इस देश में विशेष परिवर्तन हमारी संस्कृति के विषय में आने वाला नहीं. सिर्फ ये आइवरी टावर वाली नॉलेज है जो रह जाएगी और उससे हमारी व्यवहारिकता में कोई विशेष फर्क नहीं आएगा. ये मेरा अपना विचार है, आप लोग से सहमत ना हो तो क्षमा कीजिएगा, परंतु मैं ये समझता हूँ कि जब तक इस तरीके की मानसिकता हमारे विद्यार्थियों में, युवाओं में, आज की पीढ़ी में नहीं आएगी, तब तक भारत में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला. हम यही समझेंगे कि चाहे अणु हो, चाहे क्या कहना चाहिए, दशमलव हो, चाहे कुछ भी, ये सब बाहर से आया, हमारे पास तो कुछ था ही नहीं. इसमें आप ये ना समझे कि मैं किसी प्रकार से जो वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न नॉलेज को अपमानित कर रहा हूँ, नहीं, परंतु हमें जानना तो चाहिए कि हम क्या है. वो तभी होगा जब कि हम वेद, वेदांत और उसके साथ साथ जितनी हमारी पीढ़ी अच्छी है, संस्कृति चीज़ें जुड़ी हुई, उनसे जब तक हम लोग उसके परिचित नहीं होंगे, जब तक परिचय नहीं होगा तब तक हमारी उसकी रुचि नहीं बढ़ेगी, जब तक उसमें रुचि नहीं बढ़ेगी तब तक हम उसके अंदर नहीं. तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है आपके लोग में, इस प्रकार की बातें वेब से बड़ा प्रयास कर रहा है. मैं उसके लिए शेष तिवारी जी को और विजय शर्मा जी को और सब लोगों को जो इससे जुड़े हुए हैं उनके प्रति मैं अपना आभार प्रकट करना चाहूँगा और बधाई देना. अब प्रश्न इस बात का होता है कि आज का जो विषय है उस विषय में क्या, किस लिए आवश्यक है. ये इसलिए आवश्यक है कि जितनी भी आर्ट्स हैं, 64 कलाओं के बारे में कहा गया, तो ये सब कलाएं कहाँ से आई, किस विषय से आई. तो इसलिए विषय में मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जब हम वैदिक की बात करते हैं, वेदांत में जो हमारी ऋचाएँ हैं, मंत्र हैं, उनको छंद के रूप से रिसाइट किया जाता है, मेट्रिकल तरीके से उनको रिसाइट किया जाता है और उनमें म्यूजिकल आस्पेक्ट भरी हुई है और उनके जो स्वर हैं उनमें से उद्दात, अनुदात और स्वरित, ये तीनों चीज़ें आवश्यक हैं ऋचाओं को पढ़ने के लिए, मंत्रों को पढ़ने के लिए. तभी से उनमें से जो ऊर्जा निकल कर बाहर आती है, उसके उच्चारण से करने से जो ऊर्जा निकल कर आती है वो बड़ा भारी प्रभावित करती है इंसान. ऐसा मैंने सुना है, समझा है थोड़ा बहुत, परंतु ये कहा जाता है कि उसका जिस प्रकार से उदात, अनुदात और स्वर्ग भाव से मंत्र पढ़े जाते हैं, उन
उनसे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो बहुत ही मानसिकता को प्रभावित करती है और आत्मा को ऊपर उठाती है, ऐसा मैं समझता हूँ, ऐसा मैं समझता हूँ। और इसी वजह से इसको शब्द ब्रह्म भी कहा जाता है, क्योंकि शायद उच्चारण करने से एक प्रकार का संबंध ब्रह्म से अल्टीमेट रियलिटी से होता है, जो कि बड़ा आवश्यक है मानस से आगे बढ़ने के। कला शब्द जो है ये कलम कम लातीति कला इससे निकल कर बहाया गया है, और शैव तंत्र में 64 कलाओं का बात कही जाती है। सबसे पहले 64 कलाएं जो हैं वो शैव तंत्र में निकल कर आती हैं, और उनमें आज का जो विषय है नृत्य गायन वादन नाट्य नृत्य उन सबका भी वहाँ पर उसमें 64 कलाओं में मिले हुए हैं। और इसलिए ये शैव तंत्र हमारे बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसको भी पढ़ना चाहिए समझना चाहिए, जिससे कि 64 कलाओं के बारे में सब कुछ पता है। ऐसा सिद्धांत जोशी ने कहा कि बहुत सी चीज़ें जो कि आज हम टेक्नोलॉजी में समझते हैं जो बाहर से आई हैं वो सब वहाँ पर मौजूद हैं, हमें तो पता ही कुछ क्यों नहीं पता, मैकाले जी की वजह से। और उसके बाद सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि मैकाले जी चले गए, ब्रिटिश गवर्नमेंट चली गई, सब कुछ हो गया, परंतु हमारी मानसिकता नहीं बदली, हमारा शिक्षा सिस्टम नहीं बदला, हम वापस गए ही नहीं जहाँ पर हमें होना चाहिए। तो ये बड़ा आवश्यक है हमारे लिए कि हम इस विषय में, इस विषय में एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि कन्हैयालाल मुंशी जी का जो विजन था कि वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के आने के साथ साथ हमारी भारतीय संस्कृति के विषय में भी सबको लोगों को पता लगना चाहिए, नहीं तो ये देश बिल्कुल समाप्त हो जाएगा सांस्कृतिक रूप से। इसीलिए उन्होंने 1938 में भारतीय विद्या भवन का स्थापना की, और आज भवन 80 वर्ष की आयु का हो गया है, 1000 पूर्णिमा निकल चुकी हैं, इसलिए 80 वर्ष का बहुत भावना इसलिए मानी जाती है, जब 1000 पूर्णिमा निकल जाए तो उसका अपने आप में, आप सब लोग ज़्यादा जानते हैं, मैं तो सिर्फ पढ़ता हूँ, मुझे कोई ना मुझे बहुत से संस्कृत आती है ना बहुत मैंने वेद पढ़े हैं, हाँ उसमें कुछ पढ़े हैं पर वो भी इंग्लिश ट्रांसलेशन माफ कीजिए, परंतु जो भी कुछ मैंने समझा है वो मैं आपके साथ में प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा अगर कोई बात मैं गलत नहीं कर रहा। दूसरी बात यह है हमारे जो वेदांत है उनको कहा जाता है सर्व ज्ञान मयो हिसाब, सारी नॉलेज इसके अंदर मौजूद है, सब प्रकार की। मैं आज की चीज के अंदर इसलिए नहीं जाना चाहता कि जब 100 से अधिक लोग इस विषय पर बोल रहे हैं मेरे जैसे व्यक्तित्व से बोलने की आवश्यकता नहीं, वो आप लोग उनसे सुनेंगे समझेंगे कि क्या हो रहा है, परंतु मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो वेद आए वो सर्व ज्ञान मयो हिसाब, सारा ज्ञान उसमें वहीं पर भरा हुआ है। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि यूनेस्को ने हमारे वेदास के बारे में क्या डिक्लेरेशन दिया, द बेसिक हेरिटेज कंप्राइजेज ए मल्टीट्यूड ऑफ टेक्स्ट एंड इंटरप्रिटेशन कलेक्टेड इन 4 वेदास एंड ऑफर इनसाइट इनटू द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ सेवरल फंडामेंटल आर्टिस्टिक एंड साइंटिफिक सच एज द कंसेप्ट ऑफ जीरो। ये यूनेस्को ने भी इस बात को एक्सेप्ट करते हुए डिक्लेयर किया हुआ है कि वेद जो है उनमें सब प्रकार की दे आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज। मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ कि अभी भी हमारी मानसिकता पर यही है कि जो बाहर से आता है वही हमें समझना चाहिए, वही बहुत इम्पोर्टेंट है, फिर भी इसीलिए मैंने इसको को भी आपके सामने बताया है कि ये यूनेस्को भी यही कहता है, क्योंकि जिन लोगों की हमारे हम लोग भी तो उसी पाश्चात्य क्या कहते हैं एजुकेशन सिस्टम के प्रोडक्ट हैं, तो फिर भी तो हमें ये समझना चाहिए हम किस तरह से इससे। तो आगे मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय विद्या भवन जो कि भारतीय संस्कृति और संस्कृति को आगे बढ़ाने में 80 साल से जुड़ा हुआ है, भवन के दिल्ली केंद्र ने बहुत कुछ आगे बढ़ने की इस विषय में कोशिश की है, और इस विषय में हम लोगों ने अभी रिसेंटली 2 कोर्स बुक्स बनाए जिनका नाम है भारतीय विद्यासार भाग 1 भारतीय विद्यासार भाग 2। ये पुस्तकें ये जो कोर्स बुक है हम लोगों ने पहले अंग्रेजी में बनाने की कोशिश की थी बिना किसी भी उसके, परंतु धीरे धीरे क्रम ऑल इंडिया काउंसिल फॉर सेंट्रल एजुकेशन में गए हमें उन्होंने कहा कि इस प्रकार का कार्य हम कर रहे हैं हम लोग, और हम ये चाहते हैं कि इस प्रकार की ये जो नॉलेज है वो आपके टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में आए,
तो उनके यहाँ एक उनके करिकुलम में एक संस्कृति नाम का एक एस्पेक्ट है जिसके अंतर्गत इन्होंने इन कोर्सों को स्वीकृत कर दिया और ये कोर्सेज आप प्रैक्टिकल स्टीचिंग इंजीनियरिंग कॉलेज में IIT में सीख जाए। तो हमारा जो उद्देश्य था कि आज की एजुकेशन सिस्टम में जो कि किसी भी तरीके से हमारी संस्कृति को उससे बिल्कुल अलग जुड़ा हुआ है और आप सब लोग जो कि लगभग मेरी आय जो स्कूल जानते हैं कि हम जब स्कूलों में पढ़ते थे तो संस्कृत पढ़ाई जाती थी अच्छी तरह, आज संस्कृत तो समाप्त कर दी, जर्मन पढ़िए, फ्रेंच पढ़िए, संस्कृत मत पढ़िए, तो ये तो बहुत ही इससे कष्ट होता है अगर आप ये सोचें कि किस प्रकार की बात। तो इन पुस्तकों में क्या है, वेद, वेदांत, मॉडर्न साइंस एंड इंडिया साइंटिफिक नॉलेज ट्रेडिशन, योगा एंड होलिस्टिक हेल्थ, ये पार्ट वन में है, और हमारे जितने भी नौ फिलोसफिकल सिस्टम्स हैं और लिंग्विस्टिक संस्कृत लिटरेचर, ये सब इसमें एक एक चैप्टर इसमें बना हुआ है। और उसके बाद हम लोगों ने इसमें म्यूजिक, डांस, ड्रामा, स्कल्पचर, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्किटेक्चर, सब विषयों पर जो कि आज के आपके कॉन्फ्रेंस का थीम है उस पर हम लोगों ने लिखा। ये किताबें कोई ऐसी नहीं है जिसमें बहुत अधिक डेप्थ में हम लोग हैं, वो तो स्कॉलर्स का काम है, आप लोग करें। हम लोगों का उद्देश्य क्या था कि इन विषयों पर थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर हो हमारे आज की जनरेशन, तो ये मोस्टली परिचयात्मक है, एक्सपोजर करने के लिए। और अगर टेक्निकल जो लोग टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं, IIT में पढ़ रहे हैं, IIM में पढ़ रहे हैं, अगर उनको भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ पता भी लगेगा और वो अगर इसको पढ़ेंगे तो उससे उनकी मानसिकता बदलेगी। और ये कोर्सेज इलेक्टिव है, ये नहीं किताब है सब किताब दे दी आपने पढ़ी ना पढ़ी, इलेक्टिव कोर्स है, आप इसको अगर एक्सेप्ट करेंगे तो ये चॉइस एंड क्रेडिट बेस्ड कोर्स ऑन रिलीजियस काउंसिल भी है। मतलब अगर आप ये छः विषय लेने हैं उसमें अगर एक विषय आपने ये ले लिया तो उसको भी जो भी एग्जामिनेशन होगा उसमें आपको उसके मार्क्स मिलेंगे, आपको उसका क्रेडिट मिलेगा और आपके रिजल्ट भी बनाए जाएंगे। तो यही ये तरीका है जिससे कि हम आज की शिक्षा पद्धति में भारतीय ज्ञान को आगे बढ़ा सकते, क्योंकि जब तक हम मैंने बड़ी कोशिश की CBSE के पास जाकर, NCERT के पास जाकर कि भाई इस प्रकार के ज्ञान को आप इंट्रोड्यूस करिए, कुछ नहीं हुआ। UGC में भी गए, कुछ नहीं हुआ। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि AICT ने इसको एक्सेप्ट किया और इसको कम से कम टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में इंट्रोड्यूस करने का निश्चय किया। और उसके बाद क्या, आज की मानसिकता को देखते हुए कुछ हमारे वैज्ञानिक लोगों ने इसका विरोध किया और एक वेबसाइट है change.com, उस पर उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, ये तो ये है, RSS है, फलाना है, धमाका है, खूब बड़ा उन्होंने इसका प्रोटेस्ट किया। तो हमने उनको लिखा कि भाई आप हमें एविडेंस दीजिए कि RSS है या किसी पॉलिटिकल से जुड़ा हुआ, भारतीय विद्या भवन अपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, हम तो भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर क्या हुआ कि उनके पास आज 1800 सपोर्ट है, हमारे 11000 सपोर्ट हो गए हैं उस change.com पर, सारे विश्व से, अमेरिका से, यूरोप से, ईस्टर्न वर्ल्ड से, सब जगह से। तो वो एक प्रकार से फिर हमने AICT से हमें डर लगा कि हमने ये काम किया तो कुछ होगा नहीं, तो हम गए वहाँ, उन्होंने कहा नहीं साहब आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम इसको आगे बढ़ाएंगे आप बिल्कुल। तो ये मैं समझता हूँ, मैं इसको आज आपका समय ले रहा हूँ इसलिए कि आज का उद्देश्य एक थीम अवश्य है, परंतु बड़ा उद्देश्य इसका ये है कि वैदिक और संस्कृति के बारे में लोगों को पता चले। तो ये इस प्रकार का काम होगा। और इसका इस बुक्स को रिलीज किया था श्री सत्यनारायण जोशी जी ने 3 नवंबर को, जब हमारा संस्कृत समारोह कमानी ऑडिटोरियम में हुआ था। तो हम चाहते थे कि आज उनको हम स्वयं भेंट करें, क्योंकि उस दिन हम नहीं दे पाए थे उनको, परंतु आज नहीं है, मैं मिस कर रहा हूँ उनको और ये बात उनको मैं भेज दूँगा। एक और बात करना चाहूँगा कि भारत हम लोग 10 साल से यहाँ पर एक संस्कृति संगीत समारोह करते हैं जिसमें भारतवर्ष के जितने भी जाने माने संगीतज्ञ हैं, वोकलिस्ट हैं, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, डांसर्स हैं, सबको बुलाया हुआ है और हर वर्ष हम एक डांसिस बना रखा है। ये विषय आज के थीम से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। इस
समय हमारी कोशिश क्या रहती है कि हम भारतीय हमारे जितने भी संस्कृत टेक्स्ट हैं, नृत्य नाट्य संगीत इसके ऊपर, इन सबको निकाल कर बाहर लाएं। तो हमने जो अभी तक डाइजेस्ट निकाले हैं वो पर वो किस बात पर है, क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस, हमार हेरिटेज इन क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस, इंस्ट्रूमेंट्स इन क्लासिकल म्यूजिक, डांस ट्रेडिशन इन इंडिया, अभिनव गुप्त नाट्यशास्त्र, उसके बाद शिल्पात्तिका क्योंकि तमिल भाषा में है, संगम साहित्य का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट भाग है, मतंग मुनीस भरदेशी, सरंग देव संगीत रत्नाकर, चतुर दामोदर संगीत दर्पण, संगीत पारिजात ऑफ अहोबल पंडित हमने इस बार निकाला, जिसकी प्रति आकर्षण रखते हैं हम आप सबको, इनको जो व्यक्ति लोग जाना चाहें उसको देखें। और आज के ही थीम से जुड़ी हुई इसलिए संगीत पारिजात में जो भी संगीत के विषय में लिखा है, किस तरह से वो बढ़ा, वो सब है इसमें, बड़े बड़े स्कॉलर्स ने प्रस्तुत किया है, वो आपको मैं श्री तिवारी जी को प्रदान कर रहा हूँ, वो आप जुड़े हैं कुछ। उसके अलावा एक अंत में बात और करना, हम लोगों ने एक हर वर्ष हमारे एक मित्र हैं बजाज साहब, उनसे मिलकर हम एक नव वर्ष का एक ये निकालते हैं, जिसके अंदर भैया खोल गए, ये वैसे तो 2018 का हैप्पी न्यू ईयर है, बट इसमें क्या है, सम फैक्ट्स दैट विल मेक यू प्राउड, सारे साइंटिफिक टर्म जहाँ जो भी भारतीय हमारी संस्कृति में दशमलव है, गणित है, एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, ये सब इसके विषय में क्या क्या हमने हमारे ऋषियों में जिन्होंने लिखा, विचारकों ने लिखा, और विदेशी लोग भी क्या कहते हैं, आइंस्टीन क्या कहते हैं, और आपके बड़े बड़े लोग जैसे कि हमारे क्या कहते हैं, बहुत से लोग क्या कहते हैं, वो सब इसमें मुझे। और आज तक हम अब्दुल कलाम आज़ाद तक चले, आप डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद तक चले गए जिन्होंने इस विषय में क्या कहा, मैं इसकी कुछ प्रतियाँ लाया हूँ, आप इसे जो व्यक्ति लोग चाहें इसको उठा सकते हैं और देखें कि किस प्रकार से भारतीय विद्या भवन का दिल्ली केंद्र भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, आज के थीम के विषय में क्या काम किया है, और 10 वर्ष से लगातार हम यह काम किए जाते हैं, और आप लोगों का अगर आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं, तो आगे भी इस काम में चले जाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ समय ज़्यादा लेने के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, अगर कुछ मैंने ऐसा कहा जो उचित नहीं है, अनुचित है, या जिसमें ज्ञान की कमी है, मुझे क्षमा दीजिए। आज ये संगोष्ठी के सभापति डॉक्टर ऋषिराज पाठक जी, सत्यनंद जोशी जी जो इसी कार्यवश में उनको जाना पड़ा, डॉक्टर संस्कार शास्त्री जी, अर्जुन प्रसाद बस्तौला जी नेपाल से, प्रोफेसर एस आर भट्ट जी, धीरलाल जी, और इस आज के इस कॉन्फ्रेंस में सभी लोग जो उपस्थित हैं उनसे मैं सबसे पहले यह कहना चाहूँगा, मैं प्रोफेसर शशि तिवारी जी का बहुत आभारी हूँ, उन्होंने इस महत्वपूर्ण वर्कशॉप में मुझे आने के लिए आमंत्रित किया और मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया, जबकि शायद मैं उसको डिजर्व नहीं करता। और पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आज का थीम है भारतीय कलाओं का वैदिक परिप्रेक्ष्य, वैदिक पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन आर्ट्स, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इस पर आज सब प्रकार की चर्चा होगी। इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय विद्या भवन में जैसा कि अभी बेहरा जी ने बताया 2016 में हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय वैदिक कॉन्फ्रेंस की थी, और ये बहुत ही हमारे लिए गर्व का विषय है कि 150 से अधिक लोग वहाँ पर आए 4 दिन की कॉन्फ्रेंस में, और अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस थी वो, तो विदेशों से बहुत 40-50 लोग आए, और हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि वो कॉन्फ्रेंस बड़ी ही सक्सेसफुल रही, सफलतापूर्वक सफल रही। उसके पश्चात 2017 में हमारे भारतीय विद्या भवन में दूसरी
कॉन्फ्रेंस श्री प्रभा जी ने आयोजित की और वो भी एक बहुत अच्छी तरह से सफलतापूर्वक हुई और मुझे ये देख कर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जिस प्रकार के विषयों का या थीम्स का जो ये लोग चलते हैं वो वैदिक नॉलेज जो हमारी है उसको आगे बढ़ाने का बहुत अच्छा प्रयास वेस्ट कर रहे हैं। आज के युग में हमारी पीढ़ी और जितनी भी दो तीन चार पुरानी पीढ़ी हैं सबके मन में यही रहता है कि वेद वैदिक लिटरेचर ये सब कुछ उन्हीं लोगों के लिए है जो कि इस विषय में पढ़ते हैं, जिस विषय में इनका इंटरेस्ट है, जो संस्कृत को जानते हैं और इसका आज के जीवन से कोई संबंध है। वो जो हमारी मानसिकता है उसका कारण क्या है, उसका कारण है आज की हमारी शिक्षा पद्धति। और यह शिक्षा पद्धति कहाँ से आई, क्यों इस देश में लगाई गई, मुझे लगता है कि आप सबको पता हो, तो फिर भी कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको याद करना आवश्यक होता है जिससे कि हमारी मानसिकता में वाकई में बदले, मानसिकता बदले और हम अपने आप को अपनी संस्कृति से जोड़ सकें। तो इस विषय में मैं ये बताना चाहूँगा कि फरवरी 1935 में 1835 में हमारे एक डॉक्टर मैकाले साहब हुआ करते थे। उन्होंने यूरो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के बारे में ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या कहा ये मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। बहुत लोग आप लोग जानते होंगे परंतु कुछ चीज़ें होती हैं जिनको रिपीट करना बड़ा आवश्यक होता है क्योंकि उसके बिना हम ये समझ नहीं पाते कि हम किस तरह से किस प्रभाव में आज हैं जिसकी वजह से हमारी संस्कृति पूरी तरह से आच्छादित हो गई। मैं पढ़ रहा हूँ, वॉट मैकाले सेड वॉज I have travelled across the length and breadth of India and I have not seen one person who is a beggar, who is a thief. Such wealth I have seen in this country, such high moral values, people of such caliber, that I do not think we would ever conquer this country unless we break the very backbone of this nation, which is our spiritual and cultural heritage. And therefore, what I said is very important now. I propose that we, that is the English and the British, replace India's old and ancient education system, her culture. For if the Indians think that all that is foreign and English is good and greater than the India, they're greater than their own, they will lose their self-esteem, their native culture, and they will become what we want them, a truly dominated slave nation. बहुत आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, पर मैं ये समझता हूँ कि आज के युग में इस भाषण का या जो उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा उसको जानना बहुत आवश्यक है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक हमारी ये समझ में नहीं आएगा कि किस प्रकार से हमारी संस्कृति, हमारी सब कुछ आच्छादित हो गई है। और हम यही समझते हैं कि जो कुछ अच्छा है देश में, चाहे वो डेवलपमेंट से संबंधित हो, चाहे कल्चर से संबंधित हो, वो सब विदेश से और इंग्लैंड से या वेस्टर्न कंट्री से है। जब तक ये मानसिकता नहीं हटेगी तो हम चाहे वेदास पढ़ते रहें, उपनिषद पढ़ते रहें, कुछ भी पढ़ते रहें, हमारी जो ये पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, उसको कभी भी भारतीयता पर कभी विश्वास नहीं होगा, उस पर कभी उनको गर्व नहीं होगा और कभी भी उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं। ये बात कहना और सुनना बड़ा आवश्यक है कि हम किस प्रकार से हमारी संस्कृति आच्छादित हो गई और उसको किस तरह समझाना। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस विषय में जो काम वेद कर रही है वो अपने आप में बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि इस प्रकार के इन्होंने सब्जेक्ट छुटे हैं, व्यवहार प्रैक्टिकल आस्पेक्ट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, प्रैक्टिकल आस्पेक्ट ऑफ अदर थिंग दिस सेकेंड जो उनकी वो थी, ये सब जो है उसकी वजह से धीरे धीरे ये बात बढ़ रही है। और एक बात और बड़ी अच्छी है, वो ये है कि वेव जो है इस सब समारोह में यूथ के लिए अदर सेशन करती है। तो जब तक हमारा ये नई पीढ़ी जब तक इस बात में नहीं घुसेगी, नहीं समझेगी, तब तक ये सब बात करने का कोई लाभ नहीं। जैसा कि अभी सदन जोशी कह गए कि भाई
आपका अनुभव तो बोले लेक्चर हुआ, बात हुई, तालियां बज गई, उसके बाद कुछ यहाँ तो कुछ नहीं रहा। आवश्यकता इस बात की है कि जब हम इन विषयों पर चर्चा करें, इन विषयों के साथ बैठें, तो विषय हमारे अंदर जाने चाहिए, आत्मसात हमें करने की हमें कोशिश होनी चाहिए। जब तक हम वो नहीं कर सकेंगे और फिर जो आने वाली पीढ़ी है उसको नहीं बता सकेंगे या समझा सकेंगे, तब तक कोई इस देश में विशेष परिवर्तन हमारी संस्कृति के विषय में आना वाला नहीं है। सिर्फ ये आइवरी टावर वाली नॉलेज है जो रह जाएगी और उससे हमारी व्यवहारिकता में कोई विशेष फर्क नहीं आना। ये मेरा अपना विचार है, आप लोग से सहमत ना हो तो क्षमा कीजिएगा, परंतु मैं ये समझता हूँ कि जब तक इस तरीके की मानसिकता हमारी विद्यार्थियों में, युवाओं में, आज की पीढ़ी में नहीं आएगी, तब तक भारत में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। हम यही समझेंगे कि चाहे अणु हो, चाहे क्या कहना चाहिए दशमलव हो, चाहे कुछ भी, ये सब बाहर से आया, हमारे पास तो कुछ था ही। इसमें आप ये ना समझे कि मैं किसी प्रकार से जो वेस्टर्न एजुकेशन वेस्टर्न नॉलेज को अपमानित कर रहा हूँ, नहीं, परंतु हमें जानना तो चाहिए कि हम क्या है। वो तभी होगा जब कि हम वेद वेदांग और उसके साथ साथ जितनी हमारी पीढ़ी संस्कृति में चीज़ें जुड़ी हुई उनसे जब तक हम लोग उसके परिचित नहीं होंगे, जब तक परिचय नहीं होगा तब तक हमारी उसकी रुचि नहीं बढ़ेगी, जब तक उसमें रुचि नहीं बढ़ेगी तब तक हम उसके अंदर नहीं। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है आपके लोग में, इस प्रकार की बातें वेद से बड़ा प्रयास कर रहा है। मैं उसके लिए शेष तिवारी जी को और विजय शर्मा जी को और सब लोगों को जो इससे जुड़े हुए हैं उनके प्रति मैं अपना आभार प्रकट करना चाहूँगा और उनको बधाई। अब प्रश्न इस बात का होता है कि आज का जो विषय है उस विषय में क्या किस लिए आवश्यक है। ये इसलिए आवश्यक है कि जितनी भी आर्ट्स हैं, 64 कलाओं के बारे में कहा गया, तो ये सब कलाएं कहाँ से आई, किस विषय से आई। तो इसलिए विषय में मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जब हम वेदिक की बात करते हैं, वेदांत में जो हमारी ऋचाएँ हैं, मंत्र हैं, उनको छंद के रूप से रिसाइट किया जाता है, मेट्रिकल तरीके से उनको रिसाइट किया जाता है और उनमें म्यूजिकल आस्पेक्ट भरी हुई है और उनके जो स्वर हैं उनमें से उद्दात, अनुदात और स्वरित, ये तीनों चीज़ें आवश्यक हैं ऋचाओं को पढ़ने के लिए, मंत्रों को पढ़ने के लिए। तभी से उनमें से जो ऊर्जा निकल कर बाहर आती है, उसके उच्चारण से करने से जो ऊर्जा निकल कर आती है वो बड़ा भारी प्रभावित करती है इंसान, ऐसा मैंने सुना है, समझा है थोड़ा बहुत, परंतु ये कहा जाता है कि उसका जिस प्रकार से उदात, अनुदात और स्वरित भाव से मंत्र पढ़े जाते हैं उनसे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो बहुत ही मानसिकता को प्रभावित करती है और आत्मा को ऊपर उठाती है, ऐसा मैं समझता हूँ, ऐसा और इसी वजह से इसको शब्द ब्रह्म भी कहा जाता है, क्योंकि शायद उच्चारण करने से एक प्रकार का संबंध ब्रह्म से, अल्टीमेट रियलिटी से होता है, जो कि बड़ा आवश्यक है मानस को आगे बढ़ने के। कला शब्द जो है ये कलम कम लातीति कला इससे निकल कर बाहर आ रहा है और शैव तंत्र में 64 कलाओं का बात करें। सबसे पहले 64 कलाएँ जो हैं वो शैव तंत्र में निकल कर आती हैं और उनमें आज का जो विषय है नृत्य, गायन, वादन, नाट्य, नृत्य, उन सबका भी वहाँ पर उसमें 64 कलाओं में मिले हुए हैं और इसलिए ये शैव तंत्र हमारे बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसको भी पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, जिससे कि 64 कलाओं के बारे में सब कुछ पता है। ऐसा सिद्धांत जोशी ने कहा कि बहुत सी चीज़ें जो कि आज हम टेक्नोलॉजी में समझते हैं जो बाहर से आई हैं वो सब वहाँ पर स्वर्ण हैं, हमें तो पता ही कुछ क्यों नहीं पता, मैकाले जी की वजह से। और उसके बाद सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि मैकाले जी चले गए, ब्रिटिश गवर्नमेंट चली गई, सब कुछ हो गया, परंतु हमारी मानसिकता नहीं बदली, हमारा शिक्षा सिस्टम नहीं बदला, हम वापस गए ही नहीं जहाँ पर हमें होना। तो ये बड़ा आवश्यक है हमारे कि हम इस विषय में एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि कन्हैयालाल मुंशी जी का जो विजन था कि वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के आने के साथ साथ हमारी भारतीय संस्कृति के विषय में भी सबको लोगों को पता लगना चाहिए, नहीं तो ये देश बिल्कुल समाप्त हो जाए।
सांस्कृतिक रूप से। इसीलिए उन्होंने 1938 में भारतीय विद्या भवन का स्थापना की। राज भवन 80 वर्ष की आयु का हो गया है, 1000 पूर्णिमा निकल चुकी हैं, इसलिए 80 वर्ष का बहुत बहुत भावना इसलिए मानी जाती है, जब 1000 पूर्णिमा निकल जाए तो उसका अपने आप में, आप सब लोग ज़्यादा जानते हैं, मैं तो सिर्फ पढ़ता हूँ, मुझे कोई ना मुझे बहुत से संस्कृत आती है, ना बहुत मैंने वेद पढ़े हैं, हाँ वेद कुछ पढ़े हैं पर वो भी इंग्लिश ट्रांसलेशन मार्क, परंतु जो भी कुछ मैंने समझा है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा अगर कोई बात मैं गलत भी कहता हूँ। दूसरी बात यह है, हमारे जो वेदाज हैं उनको कहा जाता है सर्व ज्ञान मयो हिसाब, सारी नॉलेज इसके अंदर मौजूद है, सब प्रकार की। मैं आज की चीज के अंदर इसलिए नहीं जाना चाहता कि जब 100 से अधिक लोग इस विषय पर बोल रहे हैं, मेरे जैसे व्यक्ति से बोलने की आवश्यकता नहीं, वो आप लोग उनसे सुनेंगे समझेंगे कि क्या बोल रहे हैं, परंतु मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो वेदाज हैं वो सर्व ज्ञान मयो हिसाब, सारा ज्ञान उसमें वहीं पर भरा हुआ है। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि यूनेस्को ने हमारे वेदाज के बारे में क्या डिक्लेरेशन आज भी किया, द वैदिक हेरिटेज कंप्राइजेज ए मल्टीट्यूड ऑफ टेक्स्ट एंड इंटरप्रिटेशन कलेक्टेड इन 4 वेदाज एंड ऑफर इनसाइट इनटू द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ सेवरल फंडामेंटल आर्टिस्टिक एंड साइंटिफिक सच एज द कंसेप्ट ऑफ जीरो। ये यूनेस्को ने भी इस बात को एक्सेप्ट करते हुए डिक्लेयर किया हुआ है कि वेद जो है उनमें सब प्रकार की दे आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज। मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ कि अभी भी हमारी मानसिकता पर यही है कि जो बाहर से आता है वही हमें समझना चाहिए, वही बहुत इम्पोर्टेंट है, फिर भी इसीलिए मैंने यूनेस्को को भी आपके सामने बताया है कि ये यूनेस्को भी यही कहता है, क्योंकि जिन लोगों की हमारे हम लोग भी तो उसी पाश्चात्य क्या कहते हैं एजुकेशन सिस्टम के प्रोडक्ट हैं, तो फिर भी तो हमें ये समझना चाहिए हम किस तरह से इससे बात। तो आगे मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय विद्या भवन जो कि भारतीय संस्कृत और संस्कृति को आगे बढ़ाने में 80 साल से जुड़ा हुआ है, भवन के दिल्ली केंद्र ने बहुत कुछ आगे बढ़ने इस विषय में कोशिश की है, और इस विषय में हम लोगों ने अभी रिसेंटली 2 कोर्स बुक्स बनाए जिनका नाम है भारतीय विद्यासार भाग 1, भारतीय विद्यासार भाग 2। ये पुस्तकें, ये जो कोर्स बुक है, हम लोगों ने पहले अंग्रेजी में बनाने की कोशिश की थी बिना किसी न्यूज के, परंतु धीरे धीरे क्रम ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी एजुकेशन में गए हमें उन्होंने कहा कि इस प्रकार का कार्य हम कर रहे हैं हम लोग, और हम ये चाहते हैं कि इस प्रकार की ये जो नॉलेज है वो आपके टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में आए। तो उनके यहाँ एक उनके करिकुलम में एक संस्कृति नाम का एक आस्पेक्ट है जिसके अंतर्गत इन्होंने इन कोर्सों को स्वीकृत कर दिया, और ये कोर्सेज आप टेक्निकल इंस्टीट्यूशन इंजीनियरिंग कॉलेज में IIT में सीख जाए। तो हमारा जो उद्देश्य था कि आज की एजुकेशन सिस्टम में जो कि किसी भी तरीके से हमारी संस्कृति रूप से बिल्कुल अलग जुड़ा हुआ है, और आप सब लोग जो कि लगभग मेरी आय के जानते हैं कि हम जब स्कूलों में पढ़ते थे तो संस्कृत पढ़ाई जाती थी अच्छी तरह, आज संस्कृत तो समाप्त कर दी, जर्मन पढ़िए फ्रेंच पढ़िए संस्कृत मत पढ़िए, ये तो बहुत ही इससे कष्ट होता है अगर आप ये सोचें कि किस प्रकार की बात। तो इन पुस्तकों में क्या है, वेद वेदांग मॉडर्न साइंस एंड इंडिया साइंटिफिक नॉलेज ट्रेडिशन योगा एंड होलिस्टिक हेल्थ ये पार्ट 1 में है, और हमारे जितने भी 9 फिलोसफिकल सिस्टम्स हैं और लिंग्विस्टिक संस्कृत लिटरेचर ये सब इसमें एक एक चैप्टर इसमें बना हुआ है, और उसके बाद हम लोगों ने इसमें म्यूजिक डांस ड्रामा स्कल्पचर ड्राइंग पेंटिंग आर्किटेक्चर सब विषयों पर जो कि आपके कॉन्फ्रेंस का थीम है उस पर हम लोगों ने देखा। ये किताबें कोई ऐसी नहीं है जिसमें बहुत अधिक डेप्थ में हम लोग हैं, वो तो स्कॉलर्स का काम है आप लोग करेंगे, हम लोगों का उद्देश्य क्या था कि इन विषयों पर थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर हो हमारे आज की जनरेशन में, तो ये मोस्टली परिचयात्मक है एक्सपोजर करने के लिए, और अगर टेक्निकल जो लोग टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं IIT में पढ़ रहे हैं IIM में पढ़ रहे हैं
अगर उनको भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ पता भी लगेगा और वो अगर इसको पढ़ेंगे तो उससे उनकी मानसिकता बदलेगी। और ये कोर्सेज इलेक्टिव है, ये नहीं किताब है सब किताब दे दी आपने पढ़ी पढ़ी ना पढ़ी, इलेक्टिव कोर्स है। आप इसको अगर एक्सेप्ट करेंगे तो ये चॉइस एंड क्रेडिट बेस्ड कोर्स ऑल इंडिया काउंसिल भी है। मतलब अगर आप ये छः विषय ले रहे हैं उसमें अगर एक विषय आपने ये ले लिया तो उसको भी जो भी एग्जामिनेशन होगा उसमें आपको उसके मार्क्स मिलेंगे, आपको उसका क्रेडिट मिलेगा और आपके रिजल्ट जो बनाए जाए। तो यही ये तरीका है जिससे कि हम आज की शिक्षा पद्धति में भारतीय ज्ञान को आगे बढ़ा सकते। क्योंकि जब तक हम मैंने बड़ी कोशिश की CBSE के पास जाकर NCERT के पास जाकर कि भाई इस प्रकार के ज्ञान को आप इंट्रोड्यूस करिए, कुछ नहीं हुआ। UGC में भी गए, कुछ नहीं हुआ। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि AICT ने इसको एक्सेप्ट किया और इसको कम से कम टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में इंट्रोड्यूस करने का निश्चय किया। और उसके बाद क्या, आज की मानसिकता को देखते हुए कुछ हमारे वैज्ञानिक लोगों ने इसका विरोध किया और एक वेबसाइट है change.com उस पर उन्होंने लिखना शुरू कर दिया ये तो ये है RSS है फलाना है धमाका है, खूब बड़ा उन्होंने इसका प्रोटेस्ट किया। तो हमने उनको लिखा कि भाई आप हमें एविडेंस दीजिए कि RSS है या किसी पॉलिटिकल से जुड़ा हुआ भारतीय विद्यावन आप पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, हम तो भारतीय संस्कृति में आगे हैं। फिर क्या हुआ कि उनके पास आज 1800 सपोर्ट है, हमारे 11,000 सपोर्ट हो गए हैं उस change.com पर सारे विश्व से, अमेरिका से, यूरोप से, ईस्टर्न वर्ल्ड से, सब जगह से। तो वो एक प्रकार से फिर हमने AICT से हमें डर लगा कि हमने ये काम किया तो कुछ होगा नहीं। तो हम गए वहाँ, उन्होंने कहा नहीं साहब आप बिल्कुल चिंता मत करिए हम इसको आगे बढ़ाएंगे आप बिल्कुल। तो ये मैं समझता हूँ, मैं इसको आज आपका समय ले रहा हूँ इसलिए कि आज का उद्देश्य एक थीम अवश्य है परंतु बड़ा उद्देश्य इसका ये है कि वैदिक और संस्कृति के बारे में लोगों को पता चले। तो ये इस प्रकार का काम हो रहा है। और इसका इस बुक्स को रिलीज किया था श्री सत्यनारायण जोशी जी ने 3 नवंबर को जब हमारा संस्कृत समारोह कमानी और चोरी में हुआ था। तो हम चाहते थे कि आज उनको हमसे हम भेंट करें क्योंकि उस दिन हम नहीं दे पाए थे उनको, परंतु आज नहीं है, मैं मिस कर रहा हूँ उनको और ये बाद में उनको मैं भेज दूँगा। एक और बात करना चाहूँगा कि भारत हम लोग 10 साल से यहाँ पर एक संस्कृति संगीत समारोह करते हैं जिसमें भारतवर्ष के जितने भी जाने माने संगीतज्ञ हैं, वोकलिस्ट हैं, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, डांसर्स हैं, सबको बुलाया हुआ है और हर वर्ष हम एक डांसिस बना दिखा। ये विषय आज के थीम से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। इस विषय में हमारी कोशिश क्या रहती है कि हम भारतीय हमारे जितने भी संस्कृत टेक्स्ट हैं नृत्य नाट्य संगीत इसके ऊपर इन सबको निकाल कर बाहर लाएं। तो हमने जो अभी तक डाइजेस्ट निकाले हैं वो पर वो किस बात पर है, क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस, आवर हेरिटेज इन क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस, इंस्ट्रूमेंट्स इन क्लासिकल म्यूजिक, डांस ट्रेडिशन इन इंडिया, अभिनव गुप्त नाट्यशास्त्र, उसके बाद शिल्पात्तिका है जो कि तमिल भाषा में है, संगम साहित्य का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट भाग है, मतंग मुनीस भैदेशी, सरंग देव संगीत रत्नाकर, चतुर्दावोदर संगीत दर्पण, संगीत पारिजात ऑफ अहोबल पंडित हमने इस बार निकाला जिसकी प्रतियां कृष्ण मैं हम आप सबको इनको जो व्यक्ति लोग जाना चाहें उसको देखें। और आज के ही थीम से जुड़ी हुई इसलिए संगीत पारिजात में जो भी संगीत के विषय में लिखा है किस तरह से वो बढ़ा वो सब है, बड़े बड़े स्कॉलर्स ने प्रस्तुत किया है वो आपको मैं श्री तिवारी जी को प्रेजेंट कर रहा हूँ, वो आप जो चाहिए। उसके अलावा एक अंत में बात और करना हम लोगों ने एक हर वर्ष हमारे एक मित्र हैं बजाज साहब, उनसे मिलकर हम एक नव वर्ष का एक ये निकालते हैं जिसके अंदर भैया खोल गए ये वैसे तो 2018 का हैप्पी न्यू ईयर है बट इसमें क्या है सम फैक्ट्स दैट विल मेक यू प्राउड, सम फैक्ट्स
सारे साइंटिफिक टर्म जहाँ जो भी भारतीय हमारी संस्कृति में दशमलव है, गणित है, एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, ये सब इसके विषय में क्या क्या हमने हमारे ऋषियों में जिन्होंने लिखा, विचारकों ने लिखा, और ऋषि लोग भी क्या कहते हैं, आइंस्टीन क्या कहते हैं, और आपके बड़े बड़े लोग जैसे कि हमारे क्या कहते हैं, बहुत से लोग क्या कहते हैं, वो सब इसमें मुझे। और आज तक हम अब्दुल कलाम आज़ाद से चले, आप डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद से चले गए जिन्होंने इस विषय में क्या कहा। मैं इसकी कुछ प्रक्रिया लाया हूँ, आप इसे जो व्यक्ति लोग चाहें इसको उठा सकते हैं और देखें कि किस प्रकार से भारतीय विद्या भवन का दिल्ली केंद्र भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, आज के थीम के विषय में क्या काम किया है, और 10 वर्ष से लगातार हम यह काम करते जाते हैं। और आप लोगों का अगर आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं, तो आगे भी इस काम में जुड़े रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ समय ज़्यादा लेने के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। अगर कुछ मैंने ऐसा कहा जो उचित नहीं है, अनुचित है, या जिसमें ज्ञान की कमी है, मुझे क्षमा।